राजगढ़ जिले के सारंगपुर जनपद में आने वाले गांव पठारी में अचानक 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। अधिकतर को जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द और बुखार की शिकायतें हैं। यहां हर घर से 2 से ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 172 लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए राजगढ़ भेजे हैं। वहीं 68 मरीजों को गांव में ही अस्थायी शिविर लगाकर भर्ती किया गया है। दरअसल गांव में कई दिनों से लोगों को बुखार, दर्द आदि की शिकायतें थी। बुधवार को किसी ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की खबर सुनकर अधिकारी हरकत में आए और गांव जाकर एक स्कूल में अस्थायी ओपीडी शुरू की। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर धनवीर बरुदिया ने बताया कि शिकायत के बाद जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किरण वाडिया ने जिले से मलेरिया उन्मूलन टीम भेजी है। मेडिकल ऑफिसर सहित सभी स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर लोगों के सैंपल ले रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव में जल जमाव और गंदगी के कारण मलेरिया पनपा है, जिससे अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं जनपद सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि कलेक्टर से मिले निर्देश के बाद कल ही कुछ लोगों की जांच की थी, लेकिन मरीज की संख्या ज्यादा होने से आज से 24 घंटे शिविर यहाँ लगाया गया है। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर डिकी पटेल, मलेरिया प्रभारी सहायक मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनोज मैथिल ने बताया कि यहां से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू सहित टाइफाइड और वायरल की जांच की सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही रैपिड जांच से मरीजों का इलाज किया जा रहा है और सैंपल राजगढ़ और भोपाल भेजे जा रहे हैं। आपके द्वारा पठारी गांव में स्वास्थ्य टीम की ड्यूटी लगाई के संबंध में? स्वास्थ्य शिविर के में जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही मेडिकल स्टाफ की लगाई गई है, पैरा मेडिकल स्टाफ की लगाई गई है। यह जो है डेंगू मलेरिया और फाइलेरिया तथा वायरल फीवर को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है और इसमें टेस्ट किए जा रहे हैं, रैपिड टेस्ट हो रहे हैं और उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा तो आगे की मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें हम सैनिटेशन का एक बड़ा कैंपेन अभी चला रहे हैं और कल जो है पूरे इस गांव में हम पूरे गांव को सैनिटाइज करने जा रहे हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की टीम कितने दिन तक यहाँ काम करेगी? स्वास्थ्य विभाग तब तक जब तक ये इस गांव में आवश्यकता रहेगी तब तक ये ओपीडी कंटिन्यू चलेगा और 24 घंटे चलेगा और 24 घंटे के लिए 3 शिफ्ट में जो मेडिकल स्टाफ तथा डॉक्टर्स जो है तैनात कर दिए गए हैं। अभी तक कितने मरीजों का ट्रीटमेंट हो गया होगा सर? अभी तक करीब 200 से 300 के आसपास जो है ट्रीटमेंट हो चुका है। क्या लग रहा है शुरुआती दौर में? अभी ये तो जब रिजल्ट आएंगे इसके टेस्ट के तभी कुछ कहा जाए। पठारी में स्वास्थ्य विभाग का जो कैंप लगा किस संबंध में, बीमार लोग पड़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम ग्राम पठारी में हैं और ग्राम पठारी के लगभग सभी यहाँ ग्रामवासी हैं यहाँ पे और इनका हम लोग लगातार पिछले 2-3 दिन से सर्वे चल रहा हुआ है और इसमें बुखार के मरीज भी हैं यहाँ पे और बुखार के लिए हम लोगों ने जांच टेक्नीशियन के महोदय के द्वारा करके ब्लड सैंपल भी हम लोग भेज रहे हैं और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये आरडी किट है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट है। इसमें तत्काल बुखार की जांच पता चल जाती है कि संबंधित को कौन सा बुखार है और उस बुखार के आधार पर हम लोग उसको दवाई देना दिया जाता है जो हम लोग यहाँ पे जांच करने के बाद देंगे। अभी तक में लगभग 10 से 12 अभी इनकी हम लोगों ने ये मलेरिया जांच की स्लाइड हम लोगों ने आरडी किट से जांच कर दी है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, ग्रामवासी सभी हैं और विशेष तौर से आपके चैनल के माध्यम से भी, कि जितने भी ग्रामवासी हैं बुखार में ज़्यादातर अभी जैसे माता जी बैठी हुई हैं, इनको अभी टाइफाइड का बताया, इन्होंने टाइफाइड इनको हुआ था और अभी एक और सज्जन चले गए हैं यहाँ पे, महाराजा आप लोग बतलाए हैं ये भी हुआ है। तो देखिए टाइफाइड एक साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, ये पानी में जब बैक्टीरिया होता है बहुत ज़्यादा पनपता है और इसके कारण ये बुखार पहले दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन, 21वें दिन ऐसा लगातार बुखार बना रहता है। इस बुखार के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है सभी ग्रामवासी पानी को उबाल करके पिए, उबालने से वो कीटाणु खत्म हो जाता है और आप उस बुखार से और अन्य रोगों से भी सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ मेरा यहाँ ये कहना है, सर्वे टीम कर रही हुई है आसपास पानी का जमाव ना हो, इसके लिए जला हुआ इंजन का ऑयल हम लोग को उसमें डालना है, सोते समय मच्छरदानी और आपको साथ सुबह शाम नीम की पत्ती का या यूकेलिप्टस की पत्ती का धुआं करके मक्खी मच्छर से भी बचाव करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे जरूर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कोई भी बुखार आपका
मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, यहाँ तक कि कोरोना हमारा ख़त्म हो गया है, मगर सर्दी खांसी जुकाम है ना, अभी यदि ये लक्षण आ रहे हैं तो इसको भी हम लोग को बहुत सतर्कता से देखना होगा, है ना। और इसकी जाँचें निरंतर सभी प्रकार की जाँचें होनी चाहिए, मलेरिया की भी हो, डेंगू की भी हो, चिकनगुनिया की भी हो, टाइफाइड की भी हो, है ना, यहाँ तक कि जो भी वायरल डिजीजेस हैं सभी की जांच। तो यहाँ पे जो सैंपल जा रहे हैं वो सैंपल की जांच सभी हमारे जिला स्तर पे और हमारे भोपाल स्टेट में भी हम लोग सैंपल भेजते हैं। बरोदी जी यहाँ पे आए हुए हैं, वो लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है, अभी हम लोग फील्ड में जा करके सर्वे करेंगे और सर्वे के साथ साथ में अभी सर्वे चल ही रहा है और साथ में हम लोग यदि और पीड़ित मिलते हैं बुखार से तो हम लोग उनको जांच करेंगे और आसपास स्वच्छता के लिए जन जागरूक भी करेंगे और साथ में जहां कहीं हम लोग को लगता है कि यहां पे हमें जला हुआ इंजन ऑयल या कीटनाशक का डालना है तो हम लोग उसका भी यहां प्रयोग करके और पूरे ग्रामवासियों को सुरक्षित करेंगे। सभी के लिए मेरा यही है, सभी सुरक्षित रहें, सजग हम तो स्वस्थ हम, सभी को